आपका स्वागत है। ग्रूमिट एडी विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियाँ और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, नकालों से सावधान रहें। ग्रूमिट देख कर खरीद। मौसम के साथ साथ सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है, यही वजह है कि नेता भी अब आग उगल रहे हैं। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान की है जिसमें उन्होंने मोदी विरोधियों को जमकर ललकारा है। समस्तीपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि अब देश की राजनीति में भारतीय अखंडता को खंडित करने की साजिश विदेशी ताकतों के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और चर्च में आवाज उठती है कि मोदी को वोट नहीं दें। गिरिराज से कहा कि लगातार मोदी के सरकार विरोध में मस्जिदों और चर्च से लगातार फरमान जारी हो रहा है। अगर ऐसे में उन फरमानों पर कोई क्रिया नहीं होती है तो फिर प्रतिक्रिया भी तय है। गिरिराज ने साफ शब्दों में कहा कि अगर विरोध का सिलसिला जारी रहा तो अब मंदिरों से भी मोदी समर्थन में घंटे बजने शुरू हो जाएंगे। जुबानी जंग का सिलसिला यही नहीं रुका। किसी जमाने में नीतीश कुमार के करीबी रहे जीतन राम मांझी ने इस बार नीतीश पर जो आरोप लगाया है उस पर यकीन करना हर किसी के लिए मुश्किल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के नाम पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मांझी का आरोप है कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत नीतीश से की तो वो आरोपों के जांच के दौरान नीतीश से अधिकारियों के सामने मांझी को गंदी गाली देने लगे। मांझी के इस गंभीर आरोप के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। रमजान का महीना और मस्जिद में मोदी, यह सुनकर बेशक आपको अजीब लग रहा हो लेकिन ऐसा ही नजारा आज इंडोनेशिया में देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में जा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पहली यात्रा शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने साझा बयान जारी किया जिसमें आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात और बैठक के बाद पीएम मोदी पतंग प्रदर्शनी में पहुंचे और महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद मोदी सीधे इश्तिकलाल मस्जिद जा पहुंचे। यहां मोदी के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। अब बात एक ऐसी खबर की जो हर परिवार से जुड़ी है, हर बच्चों से जुड़ी है। बच्चों की पढ़ाई के बोझ को देखते हुए आज अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। यकीनन इस फैसले के बाद स्कूली बच्चों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्कूलों में बच्चों के किताबी बोझ को मद्रास हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि आज पढ़ाई के नाम पर बच्चों से उनका बचपना छीना जा रहा है। कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बच्चों को भी संविधान के तहत मौलिक और बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में उनके बचपन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से CBSE के सभी स्कूलों में NCERT के कोर्स की सख्ती से जल्द लागू कराने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि क्लास 2 तक के बच्चों को किसी भी तरह का होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि यह उम्र बच्चों के खेलने और सोने की है, लिहाजा पढ़ाई के नाम पर उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद न सिर्फ स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी बल्कि छोटे बच्चों को पढ़ाई के बोझ से आजादी भी मिलेगी। झारखंड में इन दिनों कुदरत का कहर खूब देखने को मिल रहा है। मंगलवार को यहाँ के लोगों के लिए अमंगल साबित हुआ। लगातार तीसरे दिन आए प्राकृतिक आपदा ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दी। वज्रपात झारखंड में लगातार कहर बना हुआ है। मंगलवार को आसमानी बिजली गिरने से 8 और लोगों की जान चली गई। रांची में 2 भाइयों समेत 3 की मौत हुई। वहीं लोहरदगा में एक दादी और पोती भी इसकी चपेट में आकर काल के गाल में समा गए। इसके अलावा एक मौत सिमडेगा में भी हुई है। पिछले 3 दिनों से वज्रपात से राज्य में 30 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा बीती रात आए आंधी और बारिश ने भी जान माल को भारी नुकसान पहुँचाया है। झारखंड से अभी तूफान का खतरा टला नहीं है कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को आगे भी सतर्क रहने को कहा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को इन जगहों के अलावा उत्तराखंड और उड़ीसा में भी तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही राज्य सरकारों को हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले दिन आसमानी आफन की वजह से बिहार झारखंड में 55 से ज्यादा मौतें हुई। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बड़े दावे करती है लेकिन हम आपको बिहार की एक ऐसी बस्ती के बारे में बता रहे हैं जहां कुछ रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गरीबी, तंगी और बदहाली से संघर्ष कर रहे समस्तीपुर जिले के निजाम गांव में लोग बड़ी तादाद में कुष्ठ रोग के शिकार हो रहे हैं। हैरत है कि यह स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह बेखबर है। इस दलित बस्ती की आबादी करीब 250 है। यहाँ के एक दर्जन से अधिक लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित बताए जा रहे हैं।
कुष्ठ रोग से पीड़ितों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल हैं। लोग बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार से गांव में डॉक्टर भेजने की अपील कर रहे हैं। केरल में कहर बरपा रहे निपाह वायरस ने धनबाद जेल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोयलांचल में फिलहाल इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा धनबाद जेल में दिख रहा है। दरअसल निपाह का संक्रमण चमगादड़ों से होता है और धनबाद जेल में इस समय बड़ी संख्या में चमगादड़ों ने डेरा डाल रखा है। चमगादड़ वहां के पेड़ पौधे से फल खाकर जेल परिसर में गिरा देते हैं, जिसके सेवन से बंदियों में इस जानलेवा रोग का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जेल में विशेष सतर्कता अभियान चला रहा है। बता दें कि जेल परिसर में सालों की बड़ी संख्या में चमगादड़ों ने डेरा जमा रखा है और यही वजह है कि बीमारी को लेकर प्रशासन आशंकित है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान लोगों की उम्मीदों पर आज तेल कंपनियों ने आग लगा दी है। तेल कंपनियों ने आज जो शर्मनाक हरकत की है उसके लिए हर कोई सरकार को कोसता है। कर्नाटक चुनाव के 16 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की पहली खबर आई है। तेल कंपनियों की तरफ से बताया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 60 पैसे की गिरावट हुई है। इससे पहले कि लोग थोड़ी राहत महसूस करते उन्हें एक और झटका लगा। तेल कंपनियों से साफ कहा गया कि कीमतों में गिरावट 60 पैसे की नहीं बल्कि महज 1 पैसे की कटौती की गई है। इस बयान के बाद लोग सरकार और तेल कंपनियों को कोसते दिख रहे हैं। वहीं यह बयान जल पर नमक छिड़कने जैसा है। हालांकि इस दौरान आज डीजल के दाम में 56 पैसे की कमी जरूर दिख रही है। आज से बैंकों का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गया है। देश भर में करीब 10 लाख कर्मचारी आज से धरने पर हैं। इस हड़ताल ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। आज से बैंकों का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गया है। बैंक कर्मियों के इस 2 दिवसीय हड़ताल में सार्वजनिक बैंकों के साथ निजी बैंक भी शामिल हैं। वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिवर्स के बैनर तले 10 लाख के बैंक कर्मचारी और अधिकारी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का असर बिहार और झारखंड के सभी बैंकों और एटीएम पर दिख रहा है। एटीएम बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। ये तो फिल्म 29 जून को रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर ने फैंस की बेसब्री को और भी बढ़ा दी है। देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कुछ अन्य खबरों के साथ। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज प्रेस द बेल बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रिपोर्टर्स 11।